प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। आज ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो पोस्ट किया। राम राम साराय ने क्या अंकित, आज हम तुझसे कुछ सीखेंगे। फिटनेस के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, उसमें ये स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा? वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा कर्तव्य है, वो स्वस्थ तभी हम स्वस्थ हैं। तुम्हारे सोनीपत में गांवों में कैसा है, लोगों का स्वच्छता में विश्वास कैसा है? अब थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं मुड़ बना की तरफ। अंकित, आप फिजिकल एक्टिविटी के लिए कितना समय देते हैं डेली? मैं 4 से 5 घंटे। आपको भी देख के थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं जी, आप भी इतनी एक्सरसाइज करते हो। मैं ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी लिए जितना चाहिए। लेकिन मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। दो चीजों में मेरा अभी डिसिप्लिन नहीं आ रहा है। एक, खाने का टाइमिंग, और दूसरा, सोने के लिए थोड़ा मुझे समय देना चाहिए, वो मैं दे नहीं पा रहा हूँ। माँ देश को सुलाने के लिए आपने ये जो सोशल मीडिया का कैसे पॉजिटिव उपयोग होता है, ये परफेक्ट एग्जांपल आपने दिया है। और मैंने देखा है कि आपके कारण काफी नौजवान भी जो हैं, और जो बड़ी बड़ी जिम में जाने वाले लोग थे, वे भी अब तो आप वाली चीजों को फॉलो करते हैं। मैंने एक बार एक सोशल मीडिया पोस्ट देखा था, किसी बच्ची ने मेरी माँ का जिम ऐसा करके वीडियो रखा था, और उसमें मेरी माँ सुबह से शाम जो काम कर रही है, चक्की चलाती है वो भी उसका जिम है, कपड़े धोती है वो भी उसका जिम है। इतना इफेक्टिव बनाया वो। आपसे मिलने का सपना था, वो पूरा हो गया। देख लिया G20 वाला सम्मेलन देखा। हाँ, वो व्यवस्था देख कर वो सब इंडिया में होते हुए मतलब हर भारतीय ने बहुत गर्व हुआ है इस चीज के लिए। भाई आपने देखा होगा ये जो भारत मंडपम बना है, उसमें भी एक पूरा दीवार हमने योगा का बनाया है, और वहां भी QR कोड लगाया है कि कोई उसको मोबाइल पे ले लेगा तो उसको उस आसन का क्या फायदा होता है, कैसे करना है, उसका पूरा डिटेल मिल जाता है। और आपने जो स्पोर्ट्स के लिए किया है, मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन था, इंजरी के मारे थोड़ा सा दूर स्पोर्ट्स से, पर मतलब देखा करते कि आप जब मेडल आया था खुद पर्सनली फोन करा करते प्लेयर, और आपने फिट इंडिया जैसी मुहिम चलाई, खेलो इंडिया, तो उससे खिलाड़ियों ने बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलने लग रहा है। आपका जो 75 डे चैलेंज है उसमें क्या करते हैं आप? उसमें 5 रूल फॉलो करने आ रहे हैं। एक तो 2 टाइम वर्कआउट हो, उसमें 2 टाइम होना चाहिए, 2 टाइम होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, एक इंडोर हो एक आउटडोर हो, दोनों आउटडोर होता तो भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, 4 लीटर पानी, एक बुक पढ़नी है 10 पेज कोई भी बुक हो, उसमें मैं अपने पुराण पढ़ लगा रहा हूँ। अच्छा, पहले श्रीमद भागवत गीता पढ़ी थी, इस पुराण पढ़ लगा। और चौथा रूल है उसका स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है। और चौथा अपनी एक सेल्फी लेनी है, प्रोग्रेस ट्रैक करने की। अच्छा है, इसके लिए एक स्वच्छता का संदेश, क्योंकि मैंने देखा है कि धीरे धीरे देश में स्वच्छता के लिए सबकी रुचि बन रही है। परिवार में छोटे बच्चे भी अपने दादा को कहते हैं गंदा मत करो, तो एक अच्छा वातावरण से भी। चलिए अंकित, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप, बहुत आगे बढ़िए।
तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये वीडियो खुद शेयर किया है और उन्हें खुद जब सफाई की, झाड़ू उठाया, झाड़ू लगाया, ये पूरा वीडियो उनकी बातचीत एक सफाई कर्मी के साथ देखी आपने, एक व्यक्ति के साथ देखी। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ हैं। आनंद, न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता का संदेश दिया इस वीडियो के माध्यम से, बल्कि स्वस्थता का भी संदेश दिया कि कैसे हेल्दी रहें। बिल्कुल, और कैसे आप स्वास्थ्य को स्वच्छता से जोड़ सकते हो, इसका उदाहरण प्रधानमंत्री ने दिया। और जो वीडियो हमने देखा उसमें जो अंकित बहन पुरिया है, ये सोनीपत के रहने वाले हैं, ये एथलीट भी है और ये फिजिकल ट्रेनर भी है, तो इन्होंने एक चैलेंज शुरू किया था 75 दिन में कैसे अपने शरीर को फिट किया जाए, और उसके बाद से ही ये सोशल मीडिया स्टार बने थे। और जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इनके साथ सफाई की और इनके साथ शेयर किया कि कैसे स्वास्थ्य के साथ साथ, फिजिकल फिटनेस के साथ साथ, कैसे स्वच्छता को भी पूरा किया जा सकता है, इसको लेकर काम किया जा सकता है, इसको लेकर उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की। और वीडियो में हमने सुना कि प्रधानमंत्री ने कहा है कैसे एक बच्ची का वो ट्वीट बता रहे थे, कैसे उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ को लेकर बताया था कैसे घर में उनके जिम में, यानी कि उनकी माँ जब चक्की पीसती है तो शरीर का व्यायाम होता है, वो भी एक तरह से जिम है, घर पर बाकी जो काम करती है तो उसमें भी शरीर का व्यायाम होता है, तो वो भी एक जिम है। तो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिजिकल फिटनेस को स्वच्छता से जोड़ा है, साफ सफाई से जोड़ा है और कहा है, ये मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर आप फिट है, अगर समाज साफ सुथरा है, आपका वातावरण साफ सुथरा है, तो आपका शरीर भी फिट रहेगा, आपकी बीमारियां नहीं होंगी, और यही मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा संदेश है जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस ट्वीट के माध्यम से देने की कोशिश की है। उन्होंने खुद सफाई करते हुए, खुद इस बात को आगे बढ़ाते हुए अपील की है देशवासियों से कि स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और साथ ही स्वस्थ भी रहें।